good afternoon, in fact. Good afternoon, everyone. How are you all? Ma'am, we are awesome. Ma'am, we are awesome. Great. And since you all are awesome, और भी awesome होंगे क्योंकि exams खत्म हो गए. Yes or no? Ma'am, yes. Ma'am, exams are finished. Yeah. और खुशी हो रही होगी क्योंकि autumn vacations शुरू होने वाला है. Yes or no? Ma'am, yes. और आपके autumn vacations में कुछ plan बनाए हैं आप लोगों ने? Ma'am, no. No. Plan बनाना बाकी है. Ma'am, yes. Yeah. ओके किसने बनाया है? मैम लक्ष्य अग्रवाल ने. ओके तो लक्ष्य क्या है आपका प्लान जरा बताओ क्लास को. मैम हम अपने मॉम के घर जाएंगे. और दो चीज तो मुझे पता है तुम्हारे प्लान में, बता दो क्या है. एक बहुत ज्यादा खाना खाना और दूसरा है बहुत लोगों को परेशान करना. ये सर नो और मैम नानी घर जाना. मैम नानी के घर जाना और मैम मस्ती करना. नानी के घर जाना और मस्ती करना. ओके ऑल राइट. एंड कहाँ गए जिनसे मैं बात कर रही थी? वेयर इज ही? मैम या लक्ष्य किसके घर पे जाने वाले हो बेटा? मैम मस्ती के. एंड वेयर इज हिज, वेयर इज हर हाउस? मैम यमुनानगर. ओके दिल्ली में ही है? मैम सियाट. मैम यमुनानगर सियाट. ओके ऑलराइट गॉट इट. ओके सो एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव लॉट्स ऑफ फन बट एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी और ऑनलाइन क्लासेस करना जरूरी. तो सारे बुक्स और सारे कॉपीज ले जाना. सो लेट्स आस्क प्रणव. प्रणव तो हमेशा मम्मी को या किसी को देख के बात करता है. कौन होता है तुम्हारे साथ प्रणव हमेशा? कोई नहीं होता. पर हमेशा तुम्हारा सर इधर घूम के करके मुंह तो लिपसिंग कर रहा होता है हमेशा. मैं वो टू मॉनिटर है. ओ टू मॉनिटर है इसीलिए. ओके मैं तो सोचती थी ये प्रणव हमेशा किसी को देखता है. ऑलराइट दो मॉनिटर है आज समझ में आया. तो प्रणव एग्जाम में सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया? एग्जाम में मैम जीके ड्रॉइंग का. जीके ड्रॉइंग का. ड्रॉइंग में तो वैसे भी सब भी अच्छा ही करते होंगे आई गेस. यस और नो? यस मैम. यस या मैम. वेरी इजी ड्रॉइंग. वेरी इजी ड्रॉइंग. टॉपिक क्या दिया था ड्रॉइंग का? मैम ड्रेस एंड फ्लावर्स एनी टू. मैम यस एंड मैम बर्ड्स एंड मैम बर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स बैग एंड बुक. ओके तो आपने क्या ड्रॉ करा प्रणय? मैम पहले तो मैम मैंने बर्ड्स की ड्रॉ मैम फ्लावर्स एंड मैम ऑब्जेक्ट्स. ओके फ्लावर कौन सा ड्रॉ करो? मैम सनफ्लावर और मैम रोज. सनफ्लावर और रोज. ओके मुझे सनफ्लावर पसंद है रोज नहीं पसंद. या अनुकल? मैम आई ड्रॉ वेस एंड मैम बर्ड्स. यू ड्रॉ व्हाट? मैम वेस फ्लावर वेस एंड मैम बर्ड. वेस नहीं बोलते इसको. वेस नहीं बोलते बेटा वास बोलते हैं. वास मैम वास. जो फूलदानी होता है उसको हम वेस नहीं बोलते. क्या बोलते हैं? मैम वास. वास करेक्ट. ओके या अर्ण आई एम कमिंग टू यू अर्ण. यस मैम. यस बेटा कौन सा सबसे अच्छा पेपर गया? व्हाट Which one was the best paper that you have given in your exams? Maths. Maths. Okay, so you are good at maths? Yes, ma'am. So main tuition padhne aa jaungi. I am very bad at maths. Okay? Yes. Bas free mein padha dena. Theek hai na? Okay, good. What about who I was coming to? Yeah, Arav. Yes, Arav, beta. Yes. Yeah, tell me about your hobby. My hobby is to help the poor. Help the poor. Oh my God, that's your hobby. Yes. Aur kaise help karte ho? Zara suno. पापा से पैसे लेके पैसे दे दो देने. कपड़े दे दो देने. खाना बनाओ मुझे देना है. बस हाथ मेरा होना चाहिए देने वाला. यस
तो कैसे हेल्प करते हो? मैम यस मैम बाय मैम यस बाय गिविंग देम क्लोथ्स. हाँ, और वो क्लोथ्स किसके होते हैं? मम्मी जो खरीद के लाते हैं, पापा जो खरीद के लाते हैं. यस मैम यस. हाँ, अपने पिगी बैंक से कुछ खरीद के दिया है कभी? मैम यस. ओके, वेरी गुड. इफ यू हैव डन दैट, दैट इज रियली हेल्पिंग. रैकेट दिया है खरीद के? ब्लैंकेट. ब्लैंकेट? ओ, ब्लैंकेट अपने पैसे से खरीद के दिया है. यस, वेरी गुड जॉब. दैट इज रियली हेल्पिंग बिकॉज यू हैव डन विथ योर मनी दैट यू हैव गॉट, राइट? So very good. Yeah, so I should talk to a girl also, but there are all boys in my class. There is only one girl, Banshita, right? Yeah, so Banshita. Banshita, yes. Which paper was the best? Maths. Maths, okay, great. She's also good at maths. And Banshita, if I... imagine if I was a fairy godmother, okay, and I gifted you three. Imagine मैं ना अलादीन का वो चिराग था जिसे रब करते हैं ना ऐसे ऐसे करके, और मैं आ गई प्रकट होके, ठीक है, और मैंने बोला हाँ बताइए तीन हुक्म मेरे मालिक, तो क्या बोलोगे, क्या क्या चाहिए तीन चीजें? I want to become IS officer. IS officer, सीधा बोलोगे IS officer बना दो. और कितने साल के हो? मैं 11. हाँ, 11 में आईएएस ऑफिसर बन जाओगे बेटा. हाँ, बड़े एक ख्वाहिश तो खत्म, दूसरा ख्वाहिश? हम सारे पेपर में अच्छे मार्क्स आए. सारे पेपर में अच्छे मार्क्स आए. और तीसरा ख्वाहिश? कि मैम हमें रीडिंग करने के लिए बहुत सारे नॉलेज पाने के लिए बहुत सारी बुक्स मिले. ओके, all right, very good. So ये लड़की तो बिल्कुल ही materialistic नहीं थी. So यही चीज पूछती हूँ मैं उससे. कहाँ गया ये बच्चा? हाँ, सक्षम. सक्षम क्या तीन चीजें मांगोगे बेटा अगर जिनी आ गई तो? मैम फर्स्ट तो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं और मेरे अच्छे मार्क्स आए. ओके, एंड मैम सेकंड कि मेरे कि मैं जो एनिमल्स हैं उनके अगर वो बीमार है तो उनकी हेल्प करूं. ओके, और मैम थर्ड कि मुझे अपने पिगी बैंक में मैम 10,000 चाहिए. बस 10,000 चाहिए? ओके, बस 10,000 चाहिए ना, ठीक है. तो जीनी तो खुश करके दे देगा, ये लो ये लो ये लो, सारी इजी चीजें मांगी. ऑलराइट, गुड. सो चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो कौन सा टॉपिक हम कर रहे थे. कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? हैबिट्स ऑफ ग्रेट अचीवर्स. Habits of Great Achievers. Anukalp is very smart and he knows everything. तो अनुकल्प, ये हमारी habit जो है अच्छी होनी चाहिए या बुरी? मैम गुड हैबिट. Why? Mam, because we have to respect others. You have to respect others, इसीलिए अच्छे habits होने चाहिए हमारी. मैम no मैम. मैम सभी अच्छे कामों में वो अच्छी वो चाहिए होती है, क्योंकि मैम बैड हैबिट से हमारी रेपुटेशन खराब होती है. हमारी बैड हैबिट से इम्प्रेशन खराब होता है, तो इसीलिए हमारी इम्प्रेशन अच्छी बनाने के लिए हमें गुड हैबिट्स फॉलो करना चाहिए, बिकॉज दे डिफाइन अस एंड मेक अस बेटर पर्सन. या वंशिता मैम, इफ यू हैव गुड हैबिट सो इट मेक्स अ पर्सन पर्सनैलिटी. हाँ, इट मेक्स योर पर्सनैलिटी, इट डिफाइंस योर कैरेक्टर. कि कैरेक्टर अच्छा है या नहीं है वो डिफाइन करता है, इसीलिए हमारी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए. ऑलराइट मैम, इफ आवर हैबिट्स आर नॉट गुड पीपल विल लाफ टू अस.
No, laugh at us. Yeah. So if your habits are not good, then no one will become your friend. No one would want to talk to you. Right? But if your habits are good, sare bolenge, arre, Anukal ko dekha hai, kitna acha bachcha hai society ka. Right? So very, very important to form good habits. So I told you about a story. We discussed the story in detail. We talked about some of the morning habits that we need to follow. Ma'am, we have a homework also. Yeah, I'll come to that, Anukal. So what I want to know is, what are some of the afternoon habits jo hume follow karna chahiye? Afternoon ke habits. Yeah, Arav. After eating a food, I'm wash our hands for 20 seconds. Ah, sabse important. Khane se pehle, jaise hum school se bole, mummy, main aa gaya. Kya karenge? Ek juta yahan fek diya, dusra juta wahan fek diya, shirt ek bed mein fek diya, ID card wahan fek diya. Aur mummy gussa hoke aake bolti hai, are beta, abhi to ghar saaf kara tha, fir se sara maila kar diya. Kaun kaun bachche aise karte hai, bina jhooth bole kabhi kabhar. Right, these are honest people who are raising their hands, right? So hame bilkul bhi aisa nahi karna chahiye. We should be responsible. Yes. We should keep our things in place. Ma'am, I keep our things in good habit. Things in place. You can't keep the things in good habit. Place mein rakhoge, good habit wala place kahan hai, bata na. मैम मतलब जैसे मैम कई भी मैम हम इधर उधर कुछ नहीं करते मैम अपने पास ही ऑनलाइन क्लासेस में बुक्स रखते हैं हाँ सो वेरी इम्पोर्टेंट कितने बच्चे क्या होते हैं घर पे बैग बुक्स होता है बैग एक जगह एक किताब खुला हुआ हो गया खत्म हो गया वो बुक वहीं फैला होता है दूसरा दूसरे साइड में तीसरा तीसरे साइड में और वंशिता ऐसे करती है इसीलिए वो मुस्कुरा रही है राइट ओके वो मम्मी से या कुछ से तो कुछ बोल रही थी तेरी बातें कर रहे तेरी टीचर बोल रही होगी मम्मी राइट ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड टू कीप आवर थिंग्स इन प्लेस नंबर वन आफ्टरनून हैबिट नंबर टू आफ्टरनून हैबिट आई अर्णव यस मैम हाँ सेकेंड हैबिट आफ्टरनून के बेटा व्हाट आफ्टरनून के एक हैबिट बता दीजिए बेटा यस मैम प्रिपेयर अवर स्कूल आउटफिट फॉर द नेक्स्ट डे हाँ ये आफ्टरनून में करते हो बेटा ये हमारा आफ्टरनून में करते हैं या इवनिंग में करते हैं नो इन इवनिंग एंड व्हेन वाज योर बर्थडे Yes, ma'am. When was your birthday? I'm 20th September. Oh, abhi gaya hai. So happy belated birthday. God bless you and all your dreams come true. Yes, okay. Ma'am. All right. So that is the evening habit. Wo evening mein karte hai. Afternoon mein sabse important cheez kya karte hai? Fir saman cheez jagah pe rakh diya. Next kya karte hai? I can tell. Soumya, khana band karo aur camera on karo bachcha. Yeah. Mama, I can tell. May I tell? Yeah, tell. Moksh. Mami? Yes, Moksh. Read books which are inspiring you. Okay. You should read books that inspires you. Very good. Yes. So, that also we can keep it in the evening time. Right, that is an evening habit or a evening or night ka ek hi saath karte hain. Sabse ghar pe aa gaye, kitab phek diya, kapde rakh diye, to kya karoge uske baad? Yeah, Lakshya. Yeah. Lakshya kya karenge uske baad?
Okay, Anushka, please tell me, sweetheart. Anushka? Yeah. Yes, ma'am. क्या करेंगे मैम? क्लोथ्स को फोल्ड करके मैम उनकी जगह पे रखेंगे और मैम हमारे बैग को मैम उसकी जगह पे रखेंगे. हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? That is the first habit of the afternoon. Can I tell? And मैम फिर मैम अपना मैम लंच खाएंगे और फिर मैम स्टडी करेंगे. All right. So you need our school homework. So you should come back, you should take a shower also, right? So you take a shower and then you eat your food and then you start to do your homework, which is very, 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 very important. But before doing your homework, what you should do is you should take a power nap. Kaun kaun sota hai dopehar ko thodi der ke liye? Am I? Very good. Very good. And why is for 1 hour? 1 hour is not a power nap though. Am I sleep for 2 hours? Oh, that is not a power nap. My God. Or isiliye raat ko neend nahi aati, Arav Gupta. 2 ghante is not a power nap. Itna lamba soge na to raat ko neend nahi aani hai. And tell me, why do we need power nap is from 30 minutes to 40 minutes. इससे ज्यादा नहीं होता पावर नैप आफ्टरनून में. एंड व्हाई डू यू टेक अ पावर नैप? व्हाई डू यू थिंक पावर नैप इज इंपॉर्टेंट? माय कैन टेल एंड बिकॉज़ मैम. नो नो अनुकल, नॉट यू. या वंशिता. मैम टू चार्ज आवर बॉडी. टू चार्ज आवर बॉडी. वेरी वेरी गुड. जब हम दिन भर मोबाइल में खेलते रहते हैं तो मोबाइल का भी तो बैटरी डाउन होता है, यस और नो? फिर हम इसको चार्जिंग में डाल देते हैं, फिर से चार्ज होके फिर से खेलना शुरू कर देते हैं. इस ऐसे ही हम कैन आई टेल वन पॉइंट मे आई टेल वन पॉइंट वेट वन मिनट. सो व्हाट इज व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी गेट्स रिचार्ज. जैसे मोबाइल चार्ज होता है, हमारी बॉडीज भी जब हम सोते हैं रिचार्ज होता है. और जब रिचार्ज होते हैं तो हमारी बॉडी में नया सा जोश होता है, नया सा एनर्जी होता है. सो आफ्टर गेटिंग दैट एनर्जी यू शुड स्टार्ट स्टडिंग और डू योर होमवर्क. यस मैम, कैन आई टेल वन पॉइंट आल्सो? यस अनुकल. Because our eyes can take rest. Yeah, our eyes need to cool down. Because of the online classes itna zyada hote hai, phir TV dekhte hai, phir cartoon dekhte hai, ki bahar to jaate hi nahi hai, kam jaate hai. So isi the eyes also. May I tell one point? Mom, I can tell one point. Yeah, Lakshya. Ma'am. Yeah, who wants to tell? Anushka? हमेशा हमारे बॉडी को थोड़ा सा, अगर नींद भी नहीं आती ना जिस चीज को, बस लाइट ऑफ करो और रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर के लिए. सो मत अगर नींद नहीं आती. बट इट इज इम्पोर्टेंट टू रिलैक्स आवर बॉडीज एंड आवर माइंड. Mind, okay, all right. Next, क्या करेंगे? खा लिया, चीजें ठीक जगह पे रखा, शावर लिया, खा लिया, नैप ले लिया, काम कर लिया. काम के बाद क्या होता है फिर? नीचे बालकनी में से क्या आती है? मैम प्लेइंग नॉइज. आवाज. अनुकल. अनुकल बरामदे में जाता है. क्या हुआ? खेलने आ जा. मम्मी होमवर्क हो गया, खेलने चली जाओ. अब कौन टोकेगा? काम जो खत्म कर लिया. जा बेटा टाइम पे आ जा. मैम वी प्ले विद आवर फ्रेंड. राइट. सो आफ्टर दैट प्लेइंग आउटडोर इज आल्सो वेरी वेरी. मैम प्लेइंग आउटडोर गेम. Right, so you because go outside and play outdoor. And what do you play outside? What are some of the games you play? I'm cricket. I'm cricket. I'm football. Cricket. Football.
All right. Yeah, so all these things are supposed to be played because it makes you healthy. So it makes us healthy and active and energetic, right? So after you come from play, तब तक तो रात हो चुकी होती है क्योंकि हम जब मम्मी भेजते हैं तो 30 मिनट्स बोल के भेजते हैं और बच्चे आ जाते हैं एक घंटे के बाद, राइट? सो रात हो जाती है. सो व्हाट आर सम ऑफ आवर इवनिंग और नाइट्स हैबिट्स दैट वी नीड टू फॉलो? मम्मी आई टेल यार एम बाय हेल्पिंग द मदर्स मदर इन हाउस. हाउ मेनी मदर्स डू यू हैव? मदर्स नहीं होता, मदर. By helping your mother. So we help our mother. Very good. And how do you help, Arun? Do you help? I'm by serving the food. Okay, very good. You serve the food. Very good. Is there anyone who helps them, by parents? And by the things that you didn't cook food. Okay, so by going to sabzi, oye, haldi khatam ho gayi, ja dukaan se haldi leke aaja, ja mirchi khatam ho gayi, mirchi leke aaja, doodh khatam ho gaya, ja leke aaja. Right, so he goes and gets the thing from the shop, which is finished. Very good, Arav. I like this quality of yours. Yeah, Banshita. I'm washing utensils. Washing utensils. Do you wash utensils, dear? I'm yes. Sare family ki ki bas. All families. All families. Good. Okay. So, the first thing you need to do is help your parents. Next. Evening pe ek cheez karte ho jo sare bachcho ko pasand hai. Kya karte ho? Ek chote se dabbe mein apna sar rakh ke dekhte rehte ho. Watching TV. Yeah. Watching TV, right? So that is also important. Along with studies, that is also important. So you help your parents. After that, you study a little bit in the evening. Then you watch TV. And then do your homework. Then in the evening time, you sit together with the entire family. Aur khate khate baate karte rehte ki aaj kya kiya. And taking tuition classes. Right, taking tuition classes. Raat ko jaate ho beta, Arav? No, ma'am. No, in evening. I'm afternoon. Afternoon, right. 7 to 8. 7 to 8? Yes. Who? 4 to 5:30 and 6 to 7. 4 to 5 is okay. Lakshay, what subjects do you study? 3 ghante padhati hai tumhari teacher. Kaun teacher hai jo itna tuition padhati hai? मैम ऑल सब्जेक्ट. ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हो 6 to 8 और 8 घर आने के बाद क्या करते हो लक्ष्य? मैम ईटिंग फूड एंड वाचिंग टीवी. ओके, सो ईट योर फूड एंड वॉच टीवी. ऑलराइट, व्हाट एल्स? या वंशिता. मैम 7 to 8 आई टेक माय अबेकस क्लास. Okay, you take your back class. All right. So everyone, they have a blend of fun and studies together in the evening. And then khush hoke kuch kha lete, right? Kuch kha lete, and then you go ahead and do one important thing jo kisi ne nahi bataya. I'm sleep. Sone se pehle. ब्रश करने के बाद क्या करते हैं? एग्जैक्टली, एज आर राइटली सेड, यू नीड टू प्रिपेयर.
we need to put whatever kalkal ka subject is sara bag mein dalna chahiye. To do list jo hum prepare karte hai usko check karna chahiye ki sara kaam ho gaya hai ya rehta hai. Library mein pencils change agar rehta hai to check our homework. चेक आर होमवर्क ये सारा चीज रात को करना चाहिए. जब रात को ये सारा पैक योर बैग्स कीप योर क्लोथ्स इन प्लेस सारा रेडी हो गया तो सुबह सुबह ये नहीं बोलना पड़ता ना मम्मी मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है मम्मा मेरा शर्ट कहाँ है अरे मेरी शर्ट के बटन टूट गए मम्मा पता ही नहीं था अरे आज तो पीटी यूनिफॉर्म पहनना था राइट. और फिर सुबह सुबह ये सर दर्द होता है स्ट्रेस होता है ऐसे उठोगे तो पहले रात को ही प्रिपेयर करके रखोगे तो स्ट्रेस कम होगा. यस और नो? यस मैम. राइट. नाउ टेल मी व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स इफ वी have right habits. अगर हम morning routine follow करें afternoon routine follow करें evening routine follow करें हमारे लिए क्या फायदा है? मैम can I tell? Yeah. मैम हम सारे काम मैम ढंग से करने लेंगे. Sorry लक्ष्य. Yeah. मैम हमारी मैम वो habit बन जाएगी and मैम और हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे. वेरी गुड. और जब अच्छे बच्चे बन जाते हो तो क्या फायदा है आपके लिए लक्ष्य? मैम फिर सब कहेंगे लक्ष्य कितना अच्छा बच्चा है. राइट. सो द फर्स्ट बेनिफिट इज एज लक्ष्य सेड ही विल रिसीव अ लॉट ऑफ प्रेज एंड अप्रिसिएशन. अरे तारीफ ही तारीफ मिलेगा लक्ष्य को. दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट. व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट? Yeah, Arif. Yes, we can do our old works in all time. Right. और इससे हमें क्या फायदा है बेटा? हमारे सारे काम हो जाएंगे और मैम कोई वर्क पेंडिंग नहीं रहेगा. Right. और इससे क्या फायदा है? पंक्चुअलिटी आएगी सो यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. और जब बच्चा मोर रिस्पॉन्सिबल बनता है तो इट क्रिएट्स अ नाइस इम्प्रेशन. सो यू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड यू क्रिएट गुड इम्प्रेशन. या नंबर थर्ड शुड अरिहान. अरिहान बच्चा अगर हम सारे मॉर्निंग हैबिट्स आफ्टरनून हैबिट्स इवनिंग हैबिट्स हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए क्या फायदा है बेटा? हम फिट रहेंगे. हम फिट रहेंगे. और कैसे रहेंगे बेटा फिट? हम मतलब मैम एक्टिव रहेंगे. वी विल बिकम फिट वी विल बिकम एक्टिव एंड वी विल बिकम हैप्पी. जब काम सब कुछ खत्म हो गया टेंशन ही नहीं है रूटीन हमेशा फॉलो करते हो तो वी विल बी वेरी हैप्पी एंड वी विल बी फिट बिकॉज स्ट्रेस नहीं होगा. राइट. एंड वी विल बिकम हेल्दी. वेरी गुड. आर्यन आर्यन अनदर बेनिफिट. क्या फायदा होगा अगर हम सारे रूटीन फॉलो करते हैं तो? मैम फिर हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होएगा. और ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा क्या फायदा है? कुछ और बता दो फिर क्या फायदा है अगर हम सारे रूटीन्स को फॉलो करें तुम्हारे लिए क्या फायदा है? तुम सोचो तुम सारा काम अपना टाइम पे कर रहे हो सारा रूटीन फॉलो कर रहे हो तो क्या फायदा है तुम्हारे लिए?
All right, Pranav. मैम हम एनर्जेटिक फील करेंगे मैम क्लास में से मैम क्लास में भी अच्छे से रिस्पांस दे पाएंगे सो इससे तुम्हारे लिए क्या फायदा है फिर सही बोल रहे हो पर फायदा क्या है मैम सब हमें मैम अच्छा अच्छा बच्चा कहेंगे सारे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे अगर कोई ऐसे बैठे करके कोई बच्चा फ्रेंड बनना चाहेगा पर अगर एनर्जी है स्टेमिना है चलो खेलते चलो ग्राउंड पे जाते अरे कितना एक्टिव बच्चा है चल दोस्ती कर लेते यस और नो सो यू विल हैव मोर फ्रेंड्स सो इन लाइफ व्हाट वी लर्न टुडे इज दैट वी कैन गो अहेड एंड बिकम very very successful and we can achieve whatever is impossible if we have habits and follow the habits regularly because they make us a better person and they make us grow and become big in life therefore it is important to follow habits all right Now, before I leave, let's play a quick game. So, can anyone think of any game that they want to play? Do you know any games? Ma'am, indoor game or outdoor game? हाँ, मैं तुम्हें outdoor game में ले जाऊंगी ना कैमरा से अंदर तुम सारे पार्क में जाओगे लैपटॉप उठा के और फिर किक मारोगे बॉल को और मैं देखती रहूंगी कैसे किक मारते राइट इंडोर गेम बच्चा इंडोर गेम्स मैम व्हाट गेम यू टेल मैम शैल आई बिजनेस मैम शैल आई टेल या टेल मैम एटलस मैम बिजनेस एटलस हाउ डू यू प्ले कैन एनीवन टेल मी हाउ डू वी प्ले एटलस यस या टेल मी या एनीवन कैन एक्सप्लेन हम किसी लेटर से सिटी या कंट्री का नेम मैम वी हैव टू टेल एनी कॉन्टिनेंट कंट्री स्टेट प्लेस सिटी एनी नेम मैम किस जगह का नाम मैम किसी भी जगह का नाम बोलते हैं मैम लास्ट वर्ड एस ओके लेट्स डू एस से खत्म होता है तो फिर मैम हमें एस से स्टार्ट करना पड़ेगा ओके डू यू नो हाउ टू प्ले नेम प्लेस एनिमल थिंग यस मैम मैम यस मैम Yes, ma'am, I know. Please wait for 2 minutes. Okay. Jaldi aana. And make 4 columns. Four columns. Yeah. Mam, name, place, animal, and thing. No, you won't write name, place, animal, thing. You will write fruits. Huh? हाँ लिखो. है नहीं. Fruits. मैं भी लिख रही हूँ. Second में vegetable. मैं yes. First is fruits. Second column में vegetables. Third column में flower. Fourth column में लिखो तुम And color. Soap. कोई सा भी कपड़े धोने वाला बर्तन धोने वाला कोई भी सोप नहाने वाला कोई भी सोप ठीक है मैम
we have to write the name of the company that also. Yeah, company of the soap. Ma'am, fruits, vegetables, and ma'am, please tell. Flour and soap. Okay, ma'am. Ready? Ma'am, yes. Yes. Okay. Saksham, start ABCD. Jaldi. A, B, C, D. Jaldi, jaldi. E, F, G, H, I. Stop. Ma'am, J. J ya G? Ma'am, J, J. J, likho J. I have written flower. Ek kali nahi, charo likho beta. Ma'am, kaun sa word aaya hai? J, J se jam, juice. Ma'am, can I tell? You have done all of them? Ma'am, yes. Ma'am, no. Nahi, charo karke bolna hai. ओके लेट्स आस्क जे से किसको मिला है फ्रूट या आर एफ टेल हम जैकफ्रूट जैकफ्रूट इज अ फ्रूट और अ वेजिटेबल सॉरी मैम वेजिटेबल जे से फ्रूट मैम मुझे मिला है क्या मैम जेली जेली इज अ फ्रूट Ma'am, I can? Yeah, you can, beta. Shall I? Whoever wants to say, say. Ma'am, jamun. Ma'am, me also have written jamun. Jamun aata hai. J se jamun ko kya bolte hai? Okay, I buy that. How many people have heard of the fruit? How many people have heard of the fruit juniper? Nahi suna. Jelly fruit is also a food. J say jackfruit is a vegetable. The third one is flower. Flower. Ma'am, jasmine. Jasmine. I knew everyone would write that. Jasmine. Ma'am, I have a fruit name of J. J. Jasmine or J say soap. Juniper. J say soap ka naam. Ma'am, Jasmine. Joy. Joy. Very good. Joy. Yeah. Now let's next joy. Letter. Okay. Who should I say? Yeah, Arnav. A B C D. Jaldi. Arnav, A B C D. Bolo jaldi. A B C D E F G H I J K. Stop. M P. B, easy hai, B se do. Okay, ma'am. Sara aa jayega, B se do. Mujhe to sab kuch aa gaya, B se do. Ma'am, ek flower ka naam hi nahi aa raha. Ma'am, J se flower ka naam main bataun. J se nahi beta, P jo Ma'am, P se. Ma'am, P. Okay. P chal raha hai. Okay, let's do. P se. Done. Vegetable. Chal raha hai. Okay, wait. I'll ask one at a time. Aryan, P se. Fruit. Ma'am, fruit. Huh. Pineapple. Very good. P se fruit. Saksham. Ma'am, vegetable. Nahi, fruit. Ma'am, pineapple. Okay, P say Aryan, fruit. Ma'am, kya fruit? Ma'am, humne pineapple likha hai. Saare ne pineapple likha hai. Ma'am, okay. Ma'am, papaya. Ma'am, papaya. Pear. Okay, pear, right. Okay, now, ma'am. P say vegetable. Lakshya. Ma'am, peas. Potato. Potato.
पम्पकिन वेरी गुड पीस से फ्लावर का नाम मैम मैम पैंसी पैंसी करेक्ट पी एन एस पैंसी फ्लावर का नाम मैम मैम पैंसी और मैम तो सोप मैम पियर मैम सोप आई न्यू मैम पियर मैम पॉपी आई न्यू एवरीवन राइट पियर ओके ओके पोमेग्रेनेट नेक्स्ट पर्सन कनक कनक प्लीज से एबीसीडी क्विकली ओके मैम एबीसीडी A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V T M T से लिखो मैम किससे T T T for Tripti मैम T जो जो नहीं है तो बाद में करना मुझे पता है तुम कहाँ पे रख रहे हैं फ्रूट का नाम सोच रहे होंगे ना मैम आपने बहुत बुरा फंसवा दिया मैम कोई सा भी नहीं आता टी से फ्रूट का नाम आता है रेखा मैम डन डन मैम यस वेरी गुड समवन एल्स एवरीवन हैज डन क्या होता है सचो सचो आराम बताना टी से जरा फ्रूट का नाम मैं सुनना चाहती हूँ टर्माइन कौन सा फ्रूट है ये मैम ये फ्रूट नेम विद टी मैम टी मैम आ गया फ्रूट क्या बताना मैम टोमेटो टोमेटो इज अ फ्रूट मैम नो मैम टोमेटो मैम वेजिटेबल में खाते हैं लेकिन मैम वो असलियत में फ्रूट है हां इट कैन बी कैरेक्टर मैम टैमरिंड मैम टैमरिंड टैमरिंड टोमेटो टैमरिंड या यू कैन से दैट्स अ वेजिटेबल और अ फ्रूट आल्सो इट इज टैंजरीन इज दिस माय टैंजरीन मैम टैंगलो टैंगलो यस आई दैट्स मैम टैंगलो कौन सा है आधे चीज तो मुझे सुना भी नहीं है टैंगलो कोई शब्द हो टैंगलो तो मैंने मैम सब पता चल गया ओके नाउ टेल मी वेजिटेबल टी से मैम टोमेटो फ्रूट फ्रूट में भी टोमेटो बोलो वेजिटेबल में भी टोमेटो बोलो मैम टर्निप टर्निप वेरी गुड मैम किंडल मैम टर्निप मैम कैन आई टेल Tulip. Yeah, very good. And last one is tea say top. Top. Mam soap. Mam Tresme. Shampoo. Yeah, I buy shampoo also. Tresme. Tresme ka soap. Soap mujhe leke khareed ke dikhana. शैम्पू होता है सोप तो मैंने नहीं दिखा ट्रस्ट मी ओके नाउ लास्ट वन यू कैन टेल मी स्टॉप ओके दिस इज द लास्ट वन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी आ गया फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 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 इज वेरी इजी कम ऑन एल इज तो सारे आ ही जाए बिना ये सारे सब्जी सोचते हैं मुझे पता है तुम लोगों को मैम डन ओके ओके एल से वेजिटेबल मैम मैं आई टेल वेजिटेबल या मैम मैम लेमन मैम लेट्यूस मैम लेट्यूस इट इज नॉट लेट्यूस इट इज लेटस व्हाट इज द नेम Lotus stem, very good. Lotus stem, lettuce. Some lemon. Lemon, very good. Let's say vegetable. Fruit. Lemon. Lychee. Right. Lychee. Number third. Flower, ma'am. Lotus. Ma'am, flower, lotus. Lotus. Ma'am, lily. Lotus. I'm lily. Lotus. Soap. Mam soap. Lux. 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 Lux.
Life by little. So we have come to the end of today's session. ये topic खत्म हो गया. Next topic हम next करेंगे और उसमें मैं interesting सा एक game लेके आऊंगी. So till then, happy Navratri everyone and enjoy yourselves. Take care. Bye bye. Thank you, ma'am.